आज आपका मन कर गया एक स्वाद चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, एक स्वाद चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए निमंत्रण पत्र भी है, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है उसी तरह अक्षत की महत्व विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होगा। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा का विशेष। अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रहे हैं, 108 चावल के दाने लेकर तो यहां मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिए, तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको घृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, घृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण, सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना, भी केवल स्पर्श कर लेना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है, केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग, तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो, जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजा।